हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो आ गई मैडम अपने एक और व्लॉग के साथ में, जिसमें मैडम को पता है कि वो सिर्फ सबको इरिटेट करने वाली है। एंड मैडम ने ये चीज़ खुद ही कह दी कि मुझे पता है गाइस कि आपको व्लॉग थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा कि एक ही जगह पे बैठ करके इतना ज्ञान पेल रही हूँ, लेकिन मैं बस हेल्प करना चाहती हूँ गाइस, आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। जो भी न्यू मदर है वो मुझसे रिलेट करेंगी गाइस, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें पता नहीं है जैसे मुझे नहीं पता था, इसलिए उन्हें बताना चाहती हूँ। इस वजह से मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ, जिसमें मैं अपनी जो डॉक्टर है उनसे आपको मिलवाऊँगी, जिसने मेरे प्यारे से बच्चे को ग्रोथ में इतना हेल्प किया है। तो मैं अपने ब्लॉग में वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, आपको हेल्प करूंगी गाइस। ये आपको बोरिंग लगेगा गाइस, मैं जानती हूँ बोरिंग लगेगा, फिर भी मैं बताऊंगी क्योंकि मुझे व्यूज़ चाहिए गाइस, पैसे कमाना है गाइस। आपको पता है ना कि मैंने चूज़ किया है ये ऑप्शन कि मैं घर पे रहना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं घर पे रह करके अपने बच्चे को संभालना चाहती हूँ, अपने पति के लिए टिफ़िन बनाना चाहती हूँ, ये मेरा खुद का चॉइस है। तो फिर पैसे का मतलब क्या करूँगी, कहाँ से आएगा पैसे, वो भी जो ज़रूरी है ना गाइस, महान बनने के लिए ये नौटंकी मैंने कर दी, लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है गाइस, इसलिए व्यूज़ के लिए मैं कुछ भी बोरिंग चीज़ें आपको दिखाऊंगी गाइस, और आपको देखना होगा ओके। इसलिए मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ गाइस, सब कुछ जानने के बावजूद मैं डाल रही हूँ गाइस, आप लोग देखना गाइस। तो जैसे ही मैडम ने स्टार्ट किया, इतना लंबा चौड़ा भाषण उसने खुद ही दे दिया कि उसका ये ब्लॉग बोरिंग होने वाला है, एक ही जगह पे बैठ करके वो सारी चीज़ें सबको बताएंगी तो लोगों को बुरा लगेगा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी उसने ये ब्लॉग बनाया एंड बना करके डाला, क्योंकि मैडम दी महान महान मैडम साहिबा जो है, दी सुपर वुमेन, द सुपर मॉम जो है, उनकी मदरहुड की जर्नी जो है वो एक ईयर की कंप्लीट हो गई है। तो जितना कुछ मैडम को ज्ञान है वो सब वो बताएंगी ना, क्योंकि मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि मैडम से ज़्यादा टैलेंटेड दुनिया में कोई भी नहीं है। जब आदर्श बहू बनने की बात थी तो भी मैडम ने अच्छा खासा मतलब ज्ञान पेला था, आदर्श भाभी बनने के लिए भी मैडम को टैग मिल गया है, आदर्श बीवी बनने का भी टैग मिल गया है, आदर्श बेटी का जो ढोंग करती है उसका भी टैग मैडम को मिला हुआ है, एंड फिर सबसे स्पेशली बात है माँ, माँ बनना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गाइस, जो कि मैडम बनी है, एंड इस चीज़ को वो आपके साथ शेयर नहीं करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर से अब एक साल कंप्लीट हो चुका है, तो उसने अपने बच्चे को क्या खिलाया, क्या पिलाया, कितनी बार ज़ुकाम हुआ, कितनी बार बुखार हुआ, कौन कौन सी दवाइयाँ दी, क्या क्या सिचुएशंस को उनको सॉल्व करना पड़ा, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, सब कुछ आपको जानना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि मैडम महान है। मैडम के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब आप जानोगे तभी आप सीखोगे, क्योंकि आपके पास तो और कोई ज़रिया नहीं ना है सीखने का। आप लोग तो YouTube नहीं देखते हो, आप लोग सोशल मीडिया पे नहीं हो, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, आप लोग को नॉलेज नहीं है, आप लोग डॉक्टर के साथ में कंसल्ट नहीं करते, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं आप लोगों के पास में, तो फिर आपको कौन बताएगा, मैडम ही बताएगी ना, इसलिए मैडम की बातें सुनिए एंड मैडम से जानकारी लीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हुए एक साल में एंड मैडम ने क्या क्या किया अपने बच्चे के साथ। तो यही सब कुछ मैडम ने ज्ञान अपने इस नए वाले ब्लॉग में बताया है, जिसमें उन्होंने अपने एक नए डॉक्टर से सबको इंट्रोड्यूस्ड करवाया, जो कि मैडम के साथ में उनके प्रेगनेंसी के टाइम पे, सॉरी डिलीवरी के टाइम पे थी, वो भी प्रीमेच्योर डिलीवरी, कितना रिस्की होता है आपको तो पता ही है, तो उस टाइम पे थी। एंड फिर इतना लंबा चौड़ा भाषण, मतलब मैं क्या ही बोलूं। इनफैक्ट ये जो कमेंट मैडम को आया है, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है, इवन मैंने थंबनेल में भी लगाया है, उसमें मैडम की धज्जियाँ ही उड़ गई है। एंड जिसने भी मैसेज किया है, या फिर आप ये कह लो कि ट्रोल किया है, या फिर आप ये कह लो कि हाँ सही बात कही है, उसने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मैडम ये चीज़ बार 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 कर करके दिखाती है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस मैसेज में लिखा हुआ क्या है। इसमें इन्होंने लिखा है कि मैडम ने जो चूज़ किया है ये ऑप्शन, कि वो घर पे रह करके अपने बच्चे को संभालना चाहती है,
वो बाहर जा कर के काम नहीं करना चाहती, ये उनकी खुद की चॉइस है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपकी ये खुद की चॉइस है तो आप इसे बार 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 बोल कर करके मदर को, किसी भी मदर को बार बार इतना रिग्रेट कैसे कर रही हो, मतलब इतना नीचा क्यों दिखा रही हो। क्योंकि ऐसी बहुत सी लेडीज़ हैं जो कि फिनेंशियली बहुत अच्छी हैं, बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने करियर और अपनी मदरहुड जर्नी दोनों एक साथ बैलेंस की है। उन्होंने अपने वर्क पे भी ध्यान दिया, साथ ही साथ अपने घर पे भी ध्यान दिया, एंड साथ ही साथ अपने बच्चे पे भी ध्यान दिया। तो ऐसी बहुत सारी माएँ हैं इस दुनिया में जिसने ये काम किए हैं, तो आप उनको नीचा क्यों दिखा रही हो ये बात बार बार बोल करके कि मैंने चॉइस लिया कि मैं घर पे ही रहूँगी और सिर्फ अपने बच्चे को देखूँगी। एंड अगर आप ऐसा कर भी रही हैं कि घर पे रह करके सिर्फ अपने बच्चे को देख रही हैं, तो जिस तरह से बच्चे की केयर करनी चाहिए उस तरह से आप अपने बच्चे की केयर नहीं कर रहे हो। जितना छोटा वो बच्चा है उसे सनलाइट की अभी बहुत ज़रूरत है, मगर ये लोग उसे घर से बाहर धूप में लेकर के नहीं जाते, गार्डन में खेलने के लिए लेकर के नहीं जाते, उसके उम्र के जो बच्चे हैं उस बच्चों के साथ उसे खेलने नहीं देते, उसे फ्लोर पे रेंग रेंग करके जो बच्चा लोग खेलता है अपने चारों पैरों से वो चीज़ उसे करने नहीं देते। तो वो कहाँ से ग्रोथ करेगा, सिर्फ डॉक्टर के भरोसे कि डॉक्टर ने ये खिलाने को कहा, वो खिलाने को कहा, डॉक्टर ने तेल मालिश करने के लिए मना किया है, डॉक्टर ने ऐसा कहा है, डॉक्टर ने वैसा कहा है, तो ये डॉक्टर आज है। लेकिन पुराने ज़माने में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे, उस समय भी बच्चे होते थे और उस समय भी बच्चे पाले जाते थे, एंड उसी तरह से पाले जाते थे जिस तरह से बड़े बुज़ुर्ग बताते थे। एंड अगर आप कंपेयर करो आज के बच्चों में और पहले के बच्चों में, तो अभी के मुकाबले पहले के जो इंसान हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी के मुकाबले अभी आप देख लो जो 60-70 साल के लोग हैं, एंड ठीक इससे पहले जनरेशन वाले जो 60-70 साल के लोग हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी के कंपैरिजन में पहले वाले जो बूढ़े इंसान हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि वो घर के तौर तरीक़ों से पले गए हैं, उनको उस तरह का न्यूट्रिशन बचपन से ही दिया गया है कि उनके बोन्स शुरू से ही स्ट्रांग होते चले गए, मसल्स शुरू से ही स्ट्रांग होते चले गए, एंड फिर उनके लास्ट स्टेज में उन्हें सफ़र नहीं करना पड़ा क्योंकि उनके बोन्स जो है ना वो बचपन से ही स्ट्रांग हो रहे थे। लेकिन आप कंपेयर करो अगर आज के टाइम पे, तो आजकल तो सब दवाइयों पे ही चल रहे हैं। 40 आया नहीं कि आपको दवाई चालू, 40 से पहले ही कुछ लोगों को दवाइयाँ चालू हो जाती हैं। 38 के एज में, 35 की एज में आज किसी चीज़ का मेडिसिन खा रहे हैं, आज किसी चीज़ की मेडिसिन खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब इन्हीं सब चोचलों के कारण है कि डॉक्टर ने ये कहा था मत करने को तो नहीं किया, डॉक्टर ने चीनी खिलाने के लिए मना किया तो नमकीन खिलाने के लिए मना किया। अरे आपका बच्चा अगर हर चीज़ खाएगा ज़रा ज़रा सा, थोड़ा थोड़ा सा, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि भर करके केकम केक उसके मुंह में डाल देना है या फिर भर करके नमक उसके मुंह में आप डाल दो, जी नहीं, ज़रा सा मिठास भी ज़रूरी है, ज़रा सा नमकीन भी ज़रूरी है, ज़रा सा खट्टा भी ज़रूरी है, ज़रा सा तीखा भी उसे ज़रूरी है, तभी जा कर के उस बच्चे का जो टेस्ट है वो आगे चल कर के भी बैलेंस होगा, वो आगे चल कर के भी हर चीज़ खाएगा। क्योंकि अगर उसे बचपन से आदत लगेगी तो वो आगे भी उस चीज़ को फॉलो करेगा, और अगर नहीं लगेगी तो वो फॉलो नहीं करेगा। तो कहने का यही मोटिव है कि ये घर पर रहकर भी अपने बच्चे की केयर उस तरह से नहीं कर पा रही हैं, उस तरह से नहीं कर रही हैं जैसा कि इनको करना चाहिए। तो बार बार ये बात कह करके कि मैं घर पर रहने का जो ऑप्शन हो मैंने वो चूज़ किया है ताकि मैं अपने बच्चे की टेक केयर कर सकूं, ऐसा कह करके आप उन मदर्स को नीचा मत दिखाओ जो कि अपने बच्चे को भी देखती है और बाहर काम करने भी जाती है, जबकि उन्हें फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे खासे रही से, बट फिर भी उन्होंने अपने करियर को भी देखा एंड बच्चे को भी देखा। तो ये था मेन मोटिव उस मैसेज में मैडम को बताने का कि आप इस तरह से कम दूसरी माओं का जो अपमान है वो ना करें। एंड जेनरली बात बिल्कुल सही कही गई है क्योंकि मैडम ऐसा कुछ फॉलो कर ही नहीं रही है जो कि उनको फॉलो करना चाहिए अपने बच्चे के लिए। सिर्फ
उनको ज्ञान पेलना है ताकि व्यूज़ आ जाए, व्लॉग बन जाए, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो खैर, जैसे मैडम ने बोला उनका व्लॉग बोरिंग होने वाला था, तो वैसा ही बोरिंग हुआ। एंड उसी के बारे में आज का ये पॉडकास्ट था। आपको आई नो कि आपको आज का पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए, ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। तो खैर, ये तो है इनकी हरकतें जो इनके व्लॉग में साफ नज़र आती है। तो चलिए, आज का ये पॉडकास्ट हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।